मुंबई 300 किलोमीटर ही बचा है। अरे उदयपुर से मुंबई तो नहीं होने वाला है। तो भाई गुजरात पहुंचते ही अपना स्वागत हुआ है बहुत ही प्यारी मौसम से और धीनी धीनी बारिश हो रही है। 800 किलोमीटर बाइक चलाने के बाद ये हालत हो जाती है दोस्तों। इसे कम रही है ये वो खोल रहा था ऐसा क्यों? सारी सारी कहती होगी कहती होगी। हम दोनों हो गए बालकनी में बंद। जय दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ओटीरा की। मैं हूं आज उदयपुर में एंड आपको बताया था रात को हम पहुंचे थे। रात को कुछ नहीं कर पाया, बस खाना खाया और एक बहुत ही सुंदर जगह बैठे थे जिसका खाना बिल्कुल अच्छा नहीं था बट जगह बहुत खूबसूरत थी। अभी फटाफट निकल रहे हैं हम गुजरात के लिए, वडोदरा के लिए। और वडोदरा से आगे क्या प्लान है? सूरत जाएंगे अपन एंड सूरत से आगे कहां जाता है? लो लाइट चली गई, बहुत बढ़िया। अरे भाई साहब, एंड सूरत से आगे कहां जाता है वो आपको मैं आगे बताता हूं, बट अभी फटाफट निकलते हैं बिकॉज हमें बहुत लंबा जर्नी स्टार्ट करना है एंड बहुत लंबा डिस्टेंस कवर करना है। यहां से वडोदरा 350 किलोमीटर, हम कोशिश करेंगे 6 घंटे के आसपास कवर करने की और कम से कम में हो जाए। अभी सुबह के बज रहे हैं 7:15 दिखाए तो 7:15 हो रहा है अभी टाइम एंड हम कोशिश करेंगे कि हम 1 बजे तक पहुंच जाए वडोदरा एंड उसके बाद आपको बताते हैं कि क्या सीन है, क्या सिचुएशन है, बहुत मजा आने वाला है। एंड आज मैं आपको सारी क्लैरिटी दूंगा कि पूरी राइड कैसे कैसे है एंड अपन कैसे कैसे राइड कर रहे हैं और किसके साथ राइड कर रहे हैं, कौन लोग हैं, आज आपको सब क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स गो। हाँ भाई वो पिए परेशान ना हो, बाइक परेशान ना करे, बट इसमें बाइक की प्रॉब्लम नहीं है, बता दिक्कत क्या है बताता हूँ आपको। एक्सरसाइज इसमें ज़्यादा है तो वो ओवरलोड हो रही है हर बारी, तो बट अभी समहाउ मैनेज्ड टू स्टार्ट इट एंड अभी बस निकलते हैं एंड आपको रास्ते में अपडेट देते हैं। सो मिलते हैं आपसे रास्ते में। पहले मैंने आज से राजस्थान किया था एंड बिलीव मी गाइस, इतना सुंदर रास्ता मैंने राजस्थान में कहीं नहीं देखा जितना उदयपुर में है। और ये देखो ग्रीनरी देखो यार आप भाई, बट अगर आप उदयपुर नहीं आए हो ना तो भाई उदयपुर आओ यार, बहुत खूबसूरत जगह है यार। ये इलाका इतना एक्सीडेंट प्रोन है कि हर जगह इन्होंने ना गाड़ियां जो एक्सीडेंट हुई है, जो गाड़ियां उनकी वो शेल्स लगा रखे हैं, उनके ढांचे लगा रखे हैं ताकि लोग समझ के चले, संभल के चले, क्योंकि ये बहुत तेज कर्व्स है जैसे आप देख सकते हो एंड लोग स्पीड में आते होंगे और गाड़ियां संभलती नहीं होगी। सो और ढलान भी है तो अपने आप ही स्पीड ज्यादा बढ़ जाती है। तो पीछे चला गया है राजस्थान और अब आ चुके हैं हम गुजरात में। तो भाई गुजरात पहुंचते ही अपना स्वागत हुआ है बहुत ही प्यारी मौसम से और धीनी धीनी बारिश हो रही है। तो मौसम हो रहा है, जो व्यू है यार गुजरात की, मतलब कितना प्यारा व्यू है यार, देखो काले बादल एंड माउंटेन्स। भाई उदयपुर से जो रास्ता देखा आप लोगों ने, कितना सुंदर रास्ता है भाई, इतना मजा आ रहा था मुझे ड्राइव करने में एंड मैंने इतने खूबसूरत रास्ते में अब तक गाड़ी नहीं चलाई भाई हिंदुस्तान में। सो इट वाज बहुत प्यारी जो मेमोरी यार, एक मेमोरी रहेगी। मस्त चमचमाते 4 लेन हाईवे से निकल गए, स्टार्टिंग 120 किलोमीटर क्या था? बारिश में कोई दिक्कत नहीं आ रही थी। अभी क्या सीन है, अभी कैसा लग रहा है? पूरा स्लश है ये, पूरा मतलब ये रोड कहीं टूटी हुई है, कहीं सीख है, कहीं पता नहीं क्या है। और ट्रक्स, इतने ट्रक्स है ना भाई इसमें, और गुजरात इस ट्रक यार, गुजरात मतलब ट्रक है यार, ट्रक्स तो होंगे बट वो गुजरात कहाँ है जो हाईवे से निकलते रहते हैं, वो कहाँ है वो? उसमें आपको कास्ट होता है 80 किलोमीटर तक। एक्सप्रेस होगी भाई, गाड़ी की हालत देखो यार तुम इसकी, तो फिर भी इससे पता लग रही है देखो यार। रिफ्रेशमेंट ब्रेक लेने के बाद मैं वापस आ गया गाड़ी में एंड अब यहाँ से वडोदरा रह गया है ठीक 100 किलोमीटर्स और फटाफट ये किलोमीटर्स क्लॉक करते हैं एंड फिर आपसे मिलते हैं वडोदरा में। ये है हमारा वडोदरा शहर एंड अपन जा रहे हैं एक होटल जो ऑन रोड ही है, ये लोकेशन है उसकी। भारत दर्शन हुआ है ना मेरा। यार ये है नर्मदा ब्रिज टोल प्लाजा, सो फार सो गुड, राइड इज गोइंग कंफर्टेबल। वो पैच जो हमने किया था सबसे कंजेस्टेड पैच वो था, ये वाला तो ठीक जा रहा है। तेरी आंखों के नीचे गड्ढे साफ दिख रहे हैं भाई। 3 दिन में
हमने चलाई है गाड़ी 2673 किलोमीटर और अभी 150 किलोमीटर और बाकी है, तो लगभग लगभग 2800 किलोमीटर। वेलकम टू गुजरात। बढ़िया 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 बढ़िया। तुम्हें फ्रेश लग रहे हो यार, रोटी लिया था भाई, मेरी हालत। हमारे तरुण भैया हमारे साथ जुड़ गए वापिस, मतलब वापिस क्या, हाँ वापिस जुड़ गए ना, एक साल बाद ही, शॉर्ट पीरियड। बट इन सब में डोरा को बहुत मिस कर रहा हूँ, बट कोई नहीं, हमारे पास ये है ना। फाइनली भाई होटल पहुंच गए, वापिस है ये 40 किलोमीटर आगे है मेरे ख्याल पीछे। और भाई गाड़ी की हालत देखो यार, अपनी गाड़ी की हालत क्या हो रही है। वो तो खैर अभी तो अभी ज्वाइन किया है तो अभी तो नए नए हिसाब किताब है, कल पता लगेगा। ये तो भाई फटाफट आपको रूम टूर दे देता हूँ। ये हमारा बाथरूम है एंड ये कमरा है, काफी बड़ा सा कमरा है यार, मतलब ये तो खाली पड़ा स्पेस भाई। और ये है हमारा लॉबी एंड नीचे पूल है, आपको दिखेगा नहीं रात को। एंड ये पूरा बड़ा सा रिसॉर्ट है, काफी अच्छा सा रिसॉर्ट है, प्रीमियम सा। वो खड़ी अपनी गाड़ी और वो खड़ी अपनी बाइक्स, सुबह दिखाते हैं आपको पूरा पूरी प्रॉपर्टी। चलते अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बहुत पैसे बनाए भाई, बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगते हैं। एंड जय हिंद, लव यू गाइस, बाय बाय।